तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मिडनाइट विजिटर, यानी कि आधी रात्रि को आने वाला अतिथि। अब ये ऐसा क्या हुआ कि इस विजिटर को रात को आने की ज़रूरत पड़ी, और इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो हमारा पार्ट 1 है, जिसका नाम है सीक्रेट एजेंट। तो इस कहानी में सीक्रेट एजेंट कौन है और किस तरह से ये जो गुप्तचर हैं ये इस कहानी को आगे लेके जाते हैं, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी इस कहानी को पूरी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर का पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है सीक्रेट एजेंट्स। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। अब आप देखिए इस कहानी में एक ही डिटेक्टिव हैं जिनका नाम है ऑजबल, और इसी कहानी में एक राइटर हैं जिनका नाम है फॉलर, और आगे एक और पात्र हमको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है मैक्स, और एक और नाम जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अगर पहले बता दूंगी तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहानी में क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी में ऑजबल नाम का एक डिटेक्टिव है, गुप्तचर है, जिसको फॉलर नाम का जो एक लेखक है, राइटर है, वो उससे मिलना चाहता है, मिलता भी है, क्योंकि उसके मन में ये एक्साइटमेंट होता है कि डिटेक्टिव जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, तो वो उनके बारे में कुछ लिखना चाहता था। तो वो उनसे मिलता है, तो उसके बाद में वो हताश होता है या वो खुश होता है, वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। जो फॉलर हैं जब वो उनसे मिलते हैं ऑजबल से, तो वो कहते हैं कि ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, कि जैसा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, हम एक गुप्तचर का देखते हैं उसमें ऑजबल जो हैं वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते, यानी वो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते जैसा उन्होंने इमेजिन कर रखा था कि एक सीक्रेट एजेंट दिखते होंगे। फॉलर हैड एवर रेड, यानी कि फॉलर ने जो आज तक सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, फॉलोइंग हिम डाउन यानी कि उनके पीछे पीछे, कॉरिडोर यानी गलियारा, लेट डाउन यानी किसी को निराश करना, और मस्टी मतलब होता है सीलन भरी। तो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी यानी एक सीलन भरे गलियारे में से होते हुए, ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास और निराश। तो जब वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं तो एक सीलन भरी जगह है, उसका गलियारा है, और वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, यानी बहुत ही निराश सा लग रहा है गलियारा, जैसे आपने होटल्स में देखा होगा बिल्कुल शांत होता है, दोनों तरफ कमरे बने हुए होते हैं, वो वाला सीन है। और कहाँ का सीन है ये? एक फ्रेंच होटल का सीन है, वेयर ऑजबल हैड अ रूम, जहाँ पे ऑजबल जो हमारा इस कहानी का जो डिटेक्टिव है, गुप्तचर है, उसने कमरा ले रखा था। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। अब फॉलोअर को क्या लगता है कि वो ऐसा लगता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा तो वहाँ पे उसको कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब वो उनके पीछे पीछे जाता है ऑजबल के कमरे में, तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता है, ऑन द 6th and top floor। अब आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो कमरा कहाँ था, वो 6th floor पे था, और 6th floor जो था वो कौन सा था, टॉप फ्लोर था वहाँ का, उस होटल का। एंड Scarcely a setting for a romantic adventure. Scarcely का मतलब होता है मुश्किल से, जो वहाँ की सेटिंग थी यानी जो जगह का स्थान था, जो वातावरण था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, जहाँ पे कल्पनाशील संकटपूर्ण घटना होने का कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता हो। यानी कि फॉलर ने जब ऑजबल के पीछे पीछे वो उनके कमरे में गए, तो जैसा उन्होंने सोचा था ना ही तो वो डिटेक्टिव उनको वैसा देखने को मिला, ना ही उनको ऐसी कुछ रोमांचक चीज़ वहाँ देखने को मिली जब उस गलियारे से उस कमरे की तरफ जा रहे थे तब, जैसा कि देखने को मिलता है प्राय कि कहीं पर भी कहीं डिटेक्टिव का नाम आता है तो आपको लगता है कुछ ना कुछ सनसनीखेज वहाँ देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हताश हो जाते हैं राइटर। ऑजबल वॉज फॉर वन थिंग, और ऑजबल का वो वर्णन करते हैं कि ऑजबल कैसा दिखता था,
फैट वेरी फैट, यानी वो बहुत मोटे थे, जो इस कहानी के जो एजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसके बाद में उनका जो बोलने का तरीका है, एक्सेंट मतलब होता है हमारा कोई भी भाषा जो हम बोलते हैं उसमें जो लहजा आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेंट. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. दूसरी चीज़, पहली बात तो वो कहते हैं कि वो जो हमारा एजेंट है, फॉलोअर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखा उसको. दूसरी, उसका जो एक्सेंट है वो भी डिफरेंट था. दो ही स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली. पासेबली का मतलब होता है बहुत सही तरीके से, संतोषजनक तरीके से. तो वो ये कहते हैं कि वो दो भाषाएं बोल सकता था ऑजिबल. कौन कौन सी थी वो दो भाषाएं? एक तो थी फ्रेंच और दूसरी थी जर्मन. अब दो भाषाएं बोलने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों कहते हैं कि उनका एक्सेंट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था? He had never altogether lost the American accent. वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि कुल मिला के altogether, यानी he had never altogether lost, कि अभी तक उन्होंने अपना वो पुराना accent नहीं छोड़ा था. कौन सा accent था पुराना? The American accent. जो उनके बात करने के तरीके में आता था वो था American accent, यानी अमेरिका के जो लोग जैसे बोलते हैं उस तरह का एक्सेंट. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, यानी कि जब वो पेरिस से बॉस्टन आए 20 साल पहले, उस समय जो उनका लहजा था बात करने का वो उनके साथ अभी तक चलता हुआ आ रहा है. हालांकि वो जर्मन और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, लेकिन उनके जर्मन और फ्रेंच बोलने में भी थोड़ा लहजा जो है वो उनका अमेरिकन एक्सेंट दिखाई देता है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर. विजिली का मतलब होता है घर घर करते हुए, जो हम जो से सांस लेते हैं ना लंबी लंबी ऐसे से, उसको बोलते हैं विजिली. यू आर डिसअपॉइंटेड, तो ऑजिबल लेखक को कहते हैं कि आप काफ़ी निराश हो गए लगते हैं. और उसकी भारी सांस के साथ वो बोलते हैं ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से उसकी सांस उसको सुनाई देती है. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि आपको तो ये बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ. अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज. एस्पियोनेज मतलब होता है जासूसी या गुप्तचरी, और स्पाई मतलब होता है जासूस. वो ये कहता है कि आपको तो ये बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ और जासूसी करता हूँ. एंड डेंजर, और मैं खतरों से खेलता भी हूँ, यानी खतरे भी उठाता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और इसीलिए आपने इच्छा करी मुझसे मिलने की क्योंकि आप एक लेखक हैं और आप एक एजेंट की ज़िंदगी करीब से देखना चाहते थे. यंग एंड रोमांटिक, और आप दिखने में बहुत ज़्यादा जवान भी हैं, युवावस्था में हैं और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक भी हैं. यू एनविजन्ड मिस्ट्रीज फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन. अब वो ये कहते हैं एनविजन्ड मतलब होता है कि आपने ऐसा सोचा होगा, आपने ऐसी कल्पना करी होगी. मिस्टीरियस फिगर, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी आकृति, कि कोई रहस्यमयी आकृति आपको दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादातर गुप्तचर जहाँ होते हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं. इन द नाइट, कि आपको ऐसा लगा हो कि रात के समय आप मेरे साथ आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रहस्यपूर्ण देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूकें या गोली लिए हुए या पिस्टल लिए हुए कोई व्यक्ति दिखाई देगा, या उस तरह के कोई भी हाव भाव किसी के आसपास, कोई किस इस तरह के वातावरण की आपने कल्पना करी होगी. ड्रग्स इन द वाइन, और वहाँ पे ड्रग्स ले रहे होंगे लोग, बाग वाइन पी रहे होंगे, इस तरह का माहौल आपने ज़रूर मन में सोच रखा होगा क्योंकि आप एक सीक्रेट एजेंट से, गुप्तचर से मिलने आए हैं. लेकिन आप तो बहुत निराश हो गए क्योंकि मैं आपको एक कमरे में ले आया जो बिल्कुल ग्लूमी है, जहाँ पे अंधेरा है, शांत है और थोड़ी सीलन की भी यहाँ पे बदबू आ रही है. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल. बजाय इसके यू हैव स्पेंट, आपको बितानी पड़ी जो शाम आपने मेरे साथ बिताई वो बहुत ही डल थी, बहुत ही नीरस शाम आपको मेरे साथ बितानी पड़ी. डल यानी उबा देने वाली, और क्रैक का मतलब होता है कड़कना. यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, और कहाँ बितानी पड़ी? क्योंकि वो फ्रेंच होटल है जिसमें वो रुके हुए, वहाँ के एक हॉल में, म्यूजिक हॉल में वो लोग काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे. तो लेखक को जो एजेंट है वो कहते हैं तो आपकी शाम तो ऐसे ख़राब हो गई कि आपको एक फ्रेंच होटल में, म्यूजिक हॉल में मेरे साथ वो शाम गुजारनी पड़ी. जैसा आपने कल्पना की थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं. विथ अ स्लोपी फैट मैन, और किसके साथ गुजारनी पड़ी? एक मेरे जैसे मोटे आदमी के साथ, जो दिखने में भी इतना गंदा है, भद्दा सा लगता है, ज़्यादा आकर्षक नहीं है. क्योंकि सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कोई बहुत ज़्यादा डैशिंग पर्सनैलिटी है, पैसा तो मैं दिखता ही नहीं हूँ.
इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज. अब वो कहते हैं कि और जब हम किसी गुप्तचर की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें भी आती हैं. इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस की बजाय इसके कि मैं कोई संदेश प्राप्त करूं, स्लिप्ड इनटू हिज हैंड कि मेरे हाथ में कोई पकड़ा के जाए, डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी काली आंखों वाली खूबसूरत कोई लड़की, कोई अप्सराएं या कोई कन्याएं मेरे हाथ में कुछ ऐसा मैसेज पकड़ा के जाएं, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है मूवीज़ वगैरह में. गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोनिक कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. बल्कि ऐसा नहीं हुआ प्रोसेक, यानी नीरस, आप बहुत ही नीरस वातावरण में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सुबह से आगे की जो मीटिंग्स हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट्स जो हैं कि मुझे कब मिलना है, किससे मिलना है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, यानी कि आपने सुबह से यही देखा होगा कि मेरे पास एक नीरसता से भरे हुए सिर्फ फ़ोन आते हैं जिसमें कि मैं आगे जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में बात करता हूँ. इन हिज रूम, अपने कमरे में. यू हैव बीन बोर्ड, आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे, यानी आपका जो समय है आपको लगता होगा कि आपने फालतू ही बर्बाद किया मुझसे मिलने आकर. द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर. चकल का मुँह मतलब होता है मुँह बंद करके हंसना, यानी वो ये सब बातें बोलने के बाद में थोड़ा सा हंसने लग गया. उसका मुँह बंद था, जैसे हम मुँह बंद करे हुए थोड़ा सा ऐसे करके हंसते हैं ना, उस तरह से वो हंसा ये सारी बातें बोल के. द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, यानी अपने आप से ही वो हंसा. एज ही अनलॉक द डोर ऑफ द रूम, जब उसने कमरे के दरवाजे को अनलॉक किया यानी खोला. एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वो साइड में हो गया दरवाज़ा खोल के ताकि जो उसका परेशान होया हुआ जो अतिथि है, जो उसके साथ में आया था गेस्ट, वो अंदर आ जाए कमरे में. यू आर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड यानी आपका तो जो विश्वास है वो टूट गया और उसके कारण आप निराश हो चुके हो, क्योंकि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वो राइटर से कहता है. ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल ने उससे कहा. बट टेक चीयर, कि लेकिन फिर भी आप खुश हो जाइए. माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान मित्र. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब आप थोड़ी ही देर बाद में एक ऐसा कागज़ देखेंगे. अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है. फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, जिसके लिए बहुत सारे महिलाओं ने और पुरुषों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो खतरे में डाल दी इस पेपर को प्राप्त करने के लिए. तो ये अब आपको रोमांचक चीज़ देखने को मिलेगी, तो आप निराश मत होइए. सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसलिए क्योंकि सम डे यानी किसी ना किसी दिन जल्दी ही दैट पेपर, वो जो पेपर आज मुझे मिलने वाला है, उस पेपर की वो बात करते हैं कि वो जो पेपर है, वो जो कागज़ हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका कहने का मतलब मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो आने वाले समय में इतिहास को भी इफेक्ट करेंगे, उसको भी प्रभावित करेंगे. कोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी दिशा, यानी कि वो आगे आने वाले जो समय है उसकी दिशा भी बदल सकते हैं. इस तरह के वो पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो अब मुझे मिलने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ रोमांचक होगा, तो निराश मत हो. इन दैट थॉट इज ड्रामा, और उस विचार में थोड़ा सा नाटकीयपन भी था जो लेखक को गुप्तचर ने और ऑजिबल ने ये सारी बातें बताई बहुत ही नाटकीय ढंग से, कि भाई तुम नाराज मत हो, अभी देखना एक इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है जो आगे भविष्य की जो समय है उसको दिशा भी उसकी बदल सकता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत लोगों ने उसको प्राप्त करने के लिए अपनी, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो एजेंट्स हैं उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है. इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, यानी उसके उस विचार में थोड़ा सा नाटकीयपन था या नहीं था वो तब आप देखिए. एज ही स्पोक, जैसा उसने कहा. ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जब ऑजिबल ने ये सारी की सारी बातें कही तो कमरे के अंदर वो लोग एंटर हो चुके थे, और अब ऑजिबल ने अपने कमरे का जो डोर है, गेट है, उसको बंद किया. देन ही स्विच ऑन द लाइट, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि पहले वो लोग कमरे में गए हैं, ये सब बातें आपस में कर रहे हैं वो, और फिर उन्होंने, ऑजिबल ने गेट बंद किया है और फिर उन्होंने लाइट जलाई है गेट बंद करने के बाद में. एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल,
फाउलर को सबसे पहला अपना स्वयंचालित ऑथेंटिक थ्रिल यानी पहला रोमांच देखने को मिला, और वो रोमांच क्या था बच्चों, ऑफ दैट डे, उस दिन का, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम यानी उससे कमरे के आधी दूरी पर ही अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक छोटी स्वचालित अपने आप जैसे ऑटोमेटिक पिस्टल होती है ना जो आप ऑटोमेटिकली चलती है, उसको पकड़े हुए एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल थी और वो बिल्कुल उनके कमरे में उनसे आधी दूरी पर ही खड़ा हुआ था। तो ये एक बहुत ही रोमांचक चीज़ उसको सबसे पहले जो देखने को मिली गुप्तचर से जब वो मिलने गया। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये हमारे राइटर हैं जो ऑजिबल हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, फैट हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पीछे वाले राइटर हैं और आगे वाले जो छोटे और मोटे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सीक्रेट एजेंट ऑजिबल हैं। और यहाँ पर देखिए ये थर्ड पर्सन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में पिस्टल है, जो उसने बिल्कुल इनकी तरफ तान रखी है। अब ये व्यक्ति कौन है, ये कमरे में कहाँ से आया? ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब उसको देखते ही ऑजिबल ने अपनी आँखों को ब्लिंक किया, ऐसे करते हैं ना हम आँख को कुछ देर, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, कहा मैक्स, ही विज्ड और उनके मुंह से आवाज़ निकली कि मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट यानी तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका दिया, आई थॉट यू वर इन बर्लिन क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऑजिबल जो है वो उस व्यक्ति को जो उनके ऊपर बंदूक तान के पिस्टल तान के खड़ा हुआ था उसको जानते थे और उस व्यक्ति का नाम था मैक्स, तो वो उसको देख के अचंभित भी होते हैं कि तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब ये देखिए ये चित्र में हम इसको एकदम साफ दे पा रहे हैं, रीड एंड फाइंड आउट। अब यहाँ तक की जो कहानी है उसके बाद में आगे हमें क्या पता लगाना है उसके लिए आप यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और फिर देखिएगा इनका आंसर हमें अभी आगे पता चलेगा। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, सबसे पहली बात फर्स्ट पॉइंट कि मैक्स कमरे के अंदर कैसे आया, क्योंकि ऑजिबल ने हमने देखा कि अपना जो ताला है उसको अनलॉक किया था, खोल के वो अंदर आए थे। दूसरी चीज़, How does Audible say he got in? कि how does Audible say he got in? कि वो Audible ने ऐसा क्यों कहा कि तुम कमरे के अंदर कैसे आए? Max was slender, a little less than tall. अब हमने जिस तरह से पहले Audible के बारे में बताया गया है इस कहानी में कि वो मोटे हैं, थोड़े दिखने में भी भद्दे से लगते हैं, सीक्रेट एजेंट से दिखते ही नहीं हैं, उसी तरह Max का भी यहाँ पे विवरण दिया गया है। उनकी personality के बारे में भी कुछ points बताए हैं कि वो slender हैं, स्लेंडर का मतलब होता है दुबले पतले छरहरे बदन के, अ लिटिल लेस देन टॉल, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, थोड़ा लंबे से थोड़ा सा कम है, विथ फीचर्स, फीचर्स मतलब होता है चेहरे के जो हमारे आकृति होती है आँख नाक ये सब हमारे फीचर्स में आते हैं, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी यानी थोड़ा सा चालाक धूर्तपन, जैसे कई लोगों का चेहरा होता है ना दिखने में हम उनको देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि बड़ा चालाक सा ये व्यक्ति है, तो उसके जो चेहरे के हाव भाव थे बहुत ज़्यादा चालाकी भरे थे। पॉइंटेड काउंटेनेंस यानी उनके जो चेहरे के जो भाव थे अभिव्यक्ति थी वो वैसे ही थे, हम पता लगा सकते थे कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक है। ऑफ अ फॉक्स यानी कि किस तरह की अभिव्यक्ति थी उसके चेहरे पे, बिल्कुल लोमड़ी जैसी चालाकी उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी जो व्यक्ति उनके सामने पिस्टल तान के खड़ा हुआ था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मिनेसिंग यानी धमकी भरा, कि खाली एक उसके हाथ में वो पिस्टल ही थी जिसके कारण कि वो उससे डर रहे थे, बाकी और कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि वो उससे वहाँ डरे, स्पेशली मिनेसिंग खाली वो बंदूक थी जिसके कारण वो उससे डर रहे थे, यानी वो जो पिस्टल थी उसी से वो दोनों को डरा रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने बड़बड़ा के कहा कि वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बींग ब्रॉट टू यू टू नाइट, वो रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हारे पास पहुँचने वाली है, लाई जाने वाली है टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि कुछ नई
मिसाइल्स के बारे में है, कंसर्निंग यानी के विषय में, और मिसाइल्स यानी प्रक्षेपात्र, जो अभी तुम्हारे पास रात को रिपोर्ट आने वाली है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो संबंधित है कुछ नए प्रक्षेपात्रों के बारे में, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि जब वो तुम्हारे पास पहुँचे तो मैं उसको तुम्हारे से प्राप्त कर लूँ। बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और फिर वो उसको ये और कहता है क्योंकि वो तुम्हारे से ज़्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगे, वो उसका मानना है मैक्स का। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, ऑजिबल वहाँ से मूव करता है, हिलता है, और एक आर्म चेयर होती है, आर्म चेयर मतलब ऐसी कुर्सी जिस पे हाथ हत्थे बने हुए थे, जिस पे अपन हाथ रख सकते हैं साइड में, उसके ऊपर जाके वो बैठ जाता है। सैट डाउन हैविली यानी धम से करके जाके बैठना, क्योंकि वो भारी है, मोटा है, वो हमने पहले ही देखा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और वो उसने ऐसा कहा कि इस बार मैं यहाँ की जो मैनेजमेंट है यानी जो प्रबंधन समिति है इस होटल की, उसको पूरे को सबक सिखा के ही रहूँगा। ही सेड ग्रिमली, और ये बात उसने गुस्से में कही, चिड़चिड़ाते हुए कही। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मेरे कमरे में कोई घुस गया थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, और कहाँ से घुसता है वो, हर बार उस बालकनी की वजह से अंदर घुस जाता है। न्यूसेंस यानी परेशानी पैदा करने वाली जो बालकनी है उसके अंदर से वो हमेशा घुस जाता है, मैनेजमेंट यानी प्रबंधक वर्क। तो वो कहता है, गुस्से में बैठता है और कहता है नाराज़ होते हुए कि अब की बार इनकी खैर नहीं, जो मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ की, जो प्रबंधक दल है, उससे मैं शिकायत करने वाला हूँ कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई बालकनी से मेरे कमरे में घुस गया। थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, यानी ये जो परेशानी करने वाली बालकनी है, इससे दोबारा मेरे कमरे में कोई घुसा, दूसरी बार ऐसा हुआ है। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, अब क्योंकि फॉलोअर जो है वो एक लेखक है, जैसे ही ऑजिबल ने ये बात कही तो फॉलोअर की जो नज़र है, फॉलोअर की नज़र घूमते घूमते उस विंडो तक पहुंची जो वहाँ उसके कमरे में सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि लेखक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है। उसने तुरंत सोचा कि अगर ऑजिबल ने ये बात कही है तो मैं पहले उस विंडो को देखूं कि जहाँ से दूसरी बार कोई अंदर घुसा है, क्योंकि उसके सामने एक आदमी पिस्टल लेके खड़ा हुआ था, तो वो आया तो कहीं वहीं से ही होगा। तो उस विंडो की तरफ उसने नज़र डाली कमरे के। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, दिखने में तो वो बहुत साधारण सी खिड़की थी। Against which now the night was pressing blackly, जिसके सामने, against which यानी जिसके opposite में, उस खिड़की से हम खाली उस पूरी काली रात को आराम से देख सकते थे, क्योंकि midnight का time है, आधी रात का समय है, बाहर अंधेरा है, तो खिड़की से खाली अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। बालकनी, said Max, और तभी Max कहता है बालकनी, मतलब मैं बालकनी से अंदर आया हूँ, उसका कहने का मतलब, with a राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब बोलते स्वर में उतार चढ़ाव, तो उतार चढ़ाव के साथ वो बोलता है अच्छा बालकनी, क्योंकि वो बालकनी से आया ही नहीं था। मैक्स सेड विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की, कि नहीं मैं तो एक पास की से आया हूँ। पास की मतलब होता है मास्टर की होती है ना, जिससे सब तालों की चाबी खुल जाती है, उस तरह की कोई इनके पास होती है। तो वो बोलता कि नहीं मैं तो तुम्हारे कमरे में दरवाजे से ही घुसा हूँ और पास की मदद से घुसा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे यहाँ पे खिड़की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मेरी थोड़ी बहुत समस्या से मैं बच जाता, जो मुझे हुई यहाँ तक पहुँचने में, दरवाजे से आने में, अगर बालकनी की मुझे जानकारी होती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता, मैं बालकनी से आ जाता, पर मुझे उसके बारे में पता नहीं था। इट्स नॉट माई बालकनी, तो ऑजिबल कहता है वो मेरे कमरे की बालकनी नहीं है। सबसे पहली बात, बालकनी ज़रूर है मेरे खिड़की के नीचे, पर वो मेरे कमरे की बालकनी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक परेशानी का सबब बन गई है। ऑजिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाते हुए उसने ये बात कही, अत्यधिक चिड़चिड़ाहट के साथ उसने ये बात कही। इट बिलोंग्स टू यानी किसी का हिस्सा है, वो मेरे कमरे का हिस्सा नहीं है। जो बालकनी, मेरे कमरे में सिर्फ खिड़की है, जो बालकनी है वो मेरे कमरे की नहीं है। द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो बगल में जो दूसरा अपार्टमेंट है, दूसरा उसकी है, दूसरा जो फ्लैट है उसकी जो बालकनी है वो लंबी मेरे खिड़की के नीचे तक आती है। ही ग्लैंस्ड
एक्सप्लेनेटरली एट फॉलोअर, यानी एक्सप्लेन करने वाले लहजे से एक नज़र डालते हुए वो फॉलोअर को बताता है, यू सी, तुम देखो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट. देखो मैं समझाता हूँ कि ये जो कमरा है पहले एक ये बहुत बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था. एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर, और वो जो दरवाज़ा है वहाँ से ये अगले कमरे की तरफ खुलता था, इसके द्वारा होते हुए वहाँ जाते थे. यूज़ टू बी द लिविंग रूम, और वहाँ पे क्या होता था, एक लिविंग रूम यानी वहाँ पर एक बैठक हुआ करती थी. इट हैड द बालकनी, और उसके अंदर बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब कमरा जो है इन्होंने रिनोवेट किया है तो कमरा छोटा हो गया और वो बालकनी अभी तक इसके नीचे लंबी है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, यानी दो दरवाजे नीचे से ही आप आराम से खाली कमरे के द्वारा इसमें घुस सकते हो. यू कैन गेट ऑन टू इट, यानी आप उसके ऊपर आराम से आ सकते हो. फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरे में से, टू डोर्स डाउन, यानी दो दरवाजे नीचे से ही तुम ऊपर आ सकते हो. यानी कि अगर आप दो फ्लैट भी नीचे हो तो आराम से एक के ऊपर आके दूसरे बालकनी से तुम मेरे कमरे में घुस सकते हो. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा पिछले महीने किसी ने किया भी था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, ब्लॉक इट ऑफ का मतलब होता है बाधित करना, अलग कर देना या इसको बंद कर देना. मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हम इस बालकनी को बंद करा देंगे ताकि यहाँ से कोई आ नहीं सके. ग्लैंस्ड का मतलब होता है उड़ती नज़र डालना, जैसा आपको मैंने पहले बताया. बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैनेजमेंट ने कोई भी इसके ऊपर एक्शन लिया नहीं. मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल. मैक्स ने भी नज़र डाली फॉलर के ऊपर, यानी जो राइटर था उसके ऊपर, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, जो बिल्कुल स्टिफली खड़ा था, बिना हिले डुले, बहुत ही रूखेपन या औपचारिकता से वहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत अचंभे में था कि ये क्या हो गया, कहाँ फंस गए. और वो नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ऑजिबल से ज़्यादा दूर भी नहीं था क्योंकि कमरा काफ़ी छोटा है, तो वो सब आस पास में ही खड़े थे. एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्टर, और उसने वो जो बंदूक है उसको हिलाया, कमांडिंग जेस्टर यानी आदेश देने वाले अंके संकेत से. जेस्टर मतलब होता है कोई भी हाव भाव बनाना, तो बंदूक हिलाते उसने ऐसा हाव भाव बनाया. प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. और उसने, मैक्स ने कहा कि बैठ जाओ क्योंकि हमें आधा घंटा भी और लगेगा उस रिपोर्ट को प्राप्त करने में. उसने मतलब बताना चाहा कि मुझे पता है कि आधे घंटे बाद वो रिपोर्ट यहाँ पे पहुँचने वाली है. 31 minutes, और उसको करेक्ट करते हुए ऑजिबल ने कहा 31 minutes लगेंगे. सेड मूडीली, मूडीली यानी तुनक मिजाजी से उसने कहा 30, जैसे हम कहते हैं ना 30 नहीं 31 minutes लगेंगे, मतलब ही इज़ मोर ऑथेंटिक देन मैक्स, कि मैक्स को पूरी जानकारी नहीं है, उसको सिर्फ 30 minutes का पता है, लेकिन सही उसको पता है कि 31 minutes लगेंगे पूरे रिपोर्ट आने में. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, वो कहता है कि अपॉइंटमेंट 12:30 का था. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, और फिर वो कहता है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. मैक्स, ऑजिबल ने मैक्स से पूछा है. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, इविली यानी दुष्टता से, कि वो जो जासूस था दूसरा, वो बहुत ही दुष्टता से उसने स्माइल करी, जैसे कहते हैं ना एक कुटिल मुस्कान जो होती है उसके साथ में. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और वो कहता है कि मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी कहाँ से मिली. बट नो हार्म, पर कोई बात नहीं, हैज़ बीन डन, अभी तक तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ. नो हार्म हैज़ बीन डन, यानी अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं उसको वापस प्राप्त कर लूँगा, यानी कोई बात नहीं, जानकारी तुम्हारे आदमियों को मिली, मेरे आदमियों को नहीं मिली, लेकिन अब रिपोर्ट जब मैं ले जाऊँगा तो वो उसकी भरपाई हो जाएगी. वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, ये क्या है, दरवाजे पे कौन है, वहाँ पे कौन है. फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलोअर एकदम से कूदा, अचानक जैसे आवाज़ हुई तो नॉक हुआ तो फॉलोअर चौंक गया. अचानक आवाज़, नॉकिंग एट द डोर, खटखटाहट हुई दरवाजे के पर उसकी वजह से. ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल तो सिर्फ मुस्कुराया. दैट विल बी द पुलिस, और वो आराम से बैठे बैठे कहता है कि वो पुलिस होगी. ही सेड, उसने कहा, आई थॉट दैट सच एन important paper as the one we are
वेटिंग फॉर, यानी वो कहता है कि मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रोटेक्शन लेना चाहिए, उसकी अतिरिक्त सुरक्षा करनी चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, इसलिए मैंने उनको कहा था कि आप मेरे ऊपर नज़र रखते रहें, मुझे संभालते रहें कि सब कुछ ठीक है या नहीं है. तो वो पुलिस है क्योंकि मैंने पुलिस को बुला रखा था. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, नर्वसली का मतलब होता है घबराहट से. अब घबराहट से मैक्स ने अपना होठ जो है वो काट लिया, दबा लिया. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, क्यों? क्योंकि दोबारा से जो नॉकिंग है, जो आवाज़ हो रही थी गेट के ऊपर, वो वापस रिपीट हुई. वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, अब ऑजिबल कहता है मैक्स से कि मैक्स अब तुम क्या करोगी, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो पुलिस है, अगर तुमने हमारे ऊपर कुछ अटैक किया तो पुलिस तुम्हें भी मार देगी, तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं. ऑजिबल आस्ट, ऑजिबल ने पूछा, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, क्योंकि अगर मैंने उनके नॉक करने का, खटखटाने का जवाब नहीं दिया तो भी वो लोग कमरे में एंटर हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे. द डोर इज़ अनलॉक्ड, और वो दरवाजे को खोल देंगे. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी शूट करने में, यानी तुम्हें मार गिराने में, क्योंकि वो तो पुलिस है और मैंने उनको बुलाया शूट यानी बंदूक चलाना, और वो तुम्हारे को शूट कर देंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली, अब मैक्स का जो चेहरा है वो गुस्से से एकदम काला पड़ गया, क्योंकि वो भी घबरा गया था कि ये क्या हुआ, पुलिस आ गई, अब मैं कैसे बचूँ. तो गुस्से से उसका चेहरा जो है वो काला हो गया. स्विफ्टली यानी तेजी से टूवर्ड्स द विंडो, वो क्या किया, जो खिड़की थी उसकी तरफ वो गया. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, स्वंग का मतलब होता है मोड़ देना, और सिल का मतलब होता है जो खिड़की के ऊपर, जैसे पूरी खिड़की होती है, मान लीजिए ये खिड़की है, तो ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं सिल. तो उसने क्या किया कि अपनी एक टांग बाहर निकाली और इस सिल के ऊपर रखते हुए उसने कहा, सेंड देम अवे, कि उनको वापस भेज दो. सिल यानी खिड़की के नीचे का पटरा, और वॉन्ड यानी सावधान करना, और उसने उसको सावधान किया कि उनको वापस भेज दो. ही वॉन्ड आई विल वेट ऑन द बालकनी, और तब तक मैं बाहर बालकनी में इंतज़ार करता हूँ. ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ऑजिबल ने कहा था कि उस बालकनी से ईजिली कोई आ जा सकता है. तो मैक्स ने सोचा कि ये बचने का सही तरीका यही है कि मैं इस बालकनी के पीछे छुप जाऊँ और इनके ऊपर बंदूक को ताने रखूँगा, पिस्टल जो है वो इनकी तरफ ही रहेगी, तो ये डर के मारे पुलिस को वापस भेज दें. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, वो कहता है कि उनको वापस भेज देना, नहीं तो मैं ये खतरा उठाऊंगा कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, चाहे बाद में वो मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर करूंगा. तो तुम उनको वापस भेज दो, यानी अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, जो खटखटाहट थी दरवाजे पर वो तेज़ हो गई और एक आवाज़ जो है वो वहाँ से आई. मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, कि मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल. देखिए आप फोटो में कि यहाँ पर ये बंदूक तानी हुई है मैक्स ने, यहाँ ये बैठा हुआ है ऑजिबल और यहाँ पे फॉलोअर खड़ा हुआ है. एक पांव जो है उसका खिड़की के बाहर है और दूसरा पांव वो अब ले जाने वाला है ये डराते हुए उसको कि देखो पुलिस को भगा दो, तब तक मैं खिड़की में इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल रिस्क लेने को तैयार हूँ कि मैं तुम्हारे को दोनों को गोली मार सकता हूँ. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, यानी अपने शरीर को मोड़ते हुए, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि जो उसकी जो गन है, बंदूक जो है, पिस्टल जो है, वो अभी भी फैट मैन यानी ऑजिबल की तरफ ही तनी हुई है, एंड हिज गेस्ट, और उसके अतिथि की तरफ भी, यानी गोली तो वो दोनों तरफ चला सकता था. द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, अब वो व्यक्ति, द मैन एट द विंडो कौन है, खिड़की की तरफ आदमी कौन है, मैक्स खड़ा है. मैक्स ग्रैस्प द फ्रेम, यानी उसने फ्रेम को पकड़ा, फ्रेम यानी चौखट है उसको पकड़ा,
विथ हिज फ्री हैंड, अपने हाथों से उस चौखट को पकड़ा टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को सहारा दे सके. देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड कवर द विंडो सिल, और पहले एक पांव उसने रखा हुआ था, दूसरा भी उसने हाथ के सहारा लेके दोबारा वो सिल के ऊपर खड़ा हो गया, यानी विंडो की जो चौखट थी उसके ऊपर खड़ा हो गया. द डोर नॉब टर्न्ड, और तभी जो गेट का जो नॉब है वो खुला. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill. और उसी समय जैसे ही दरवाजे का नॉब खुला, वो जो हिस्सा बना होता है, कुंडी सी होती है, वो जैसे ही खुली, नॉब की आवाज़ आई खुलने की, तो मैक्स ने क्या किया, वो वहाँ खड़ा हुआ था, वो बाहर की तरफ कूद गया. पुश्ड विद द लेफ्ट हैंड टू फ्री हिम सेल्फ फ्रॉम द सिल, यानी अपने आप को उसने पुश किया, धक्का दिया, ताकि वो उस चौखट से हट जाए और बाहर की तरफ कूद जाए. एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और कूद के वो बालकनी में पहुँच जाए, क्योंकि पहले ऑजेबल ने ये बता दिया था कि बालकनी बिल्कुल सामने ही है बाहर निकलते ही. तो उसने सोचा कि मैं फटाफट कूद जाता हूँ इससे पहले कि मुझे सामने वाला देखे. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और तभी जैसे ही वो गिरा, यानी वहाँ पे कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, उसकी सिर्फ एक बार चीख सुनाई दी. श्रीली यानी बहुत तेज़ उसकी चीख सुनाई दी. ऐसा क्यों हुआ? The door opened with a waiter stood there with a tray. और दरवाज़ा जब खुला, क्योंकि दरवाज़ा अनलॉक था, पहले से ही उस कहा था ऑजिबल ने कि दरवाज़ा वो लोग अनलॉक कर लेंगे, तो वेटर ने दरवाज़ा खोल लिया और उस वो सामने स्टूड यानी खड़ा था विथ अ ट्रे, और उसके हाथ में एक ट्रे थी, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, और उसके साथ एक बोतल थी और उसमें दो ग्लासेस थे. हेयर इज़ अ ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और वो कहता है कि ये आपकी वो ड्रिंक है जो आपने मंगवाई थी जब आप आए थे, वापस आए थे. ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ऐसा कह के उसने उस बॉटल और वो ग्लासेस वाली जो ट्रे थी उसको टेबल के ऊपर रख दिया. डेफ्टली अनकॉर्ड द बॉटल, डेफ्टली का मतलब होता है बहुत ही दक्षतापूर्ण, जैसे अनुभव हो उसको, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेटर था, तो बहुत ही सावधानी से उसने बहुत ही परफेक्शन से उस बॉटल को खोला एंड लेफ्ट द रूम, और फिर वो कमरा छोड़ के चला गया. वाइट फेस्ड फॉलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, और फॉलर जो था उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था डर के मारे, क्योंकि पुलिस को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. वहाँ से मैक्स उनके ऊपर पिस्टल तान के खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो गेट खुला तो मैक्स बाहर कूद गया, तो उसका ध्यान मैक्स की तरफ था क्योंकि बहुत तेज़ चीख भी सुनाई दी थी. बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, तो लेकिन अभी भी वो हकलाया बोला, लेकिन पुलिस, क्योंकि वो तो पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे. देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइड, और ऑजिबल ने आह भरते हुए कहा कि कोई पुलिस नहीं है. Only Henry, whom I was expecting. खाली हेनरी आया है जिसकी कि मैं उम्मीद कर रहा था, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं कह के आया था, ऑर्डर दे के आया था कि यही आएगा. तो चौथा जो नाम हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो किसका है? हेनरी का है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी. तो ये हेनरी है जो वेटर उस समय आया, वो उसी का इंतज़ार कर रहा था, और हॉजिबल कहता है कौन सी पुलिस, कोई पुलिस नहीं आने वाली थी. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगन, तो उसने कहा तो क्या वो जो आदमी बालकनी में गया है वो ऐसे कह के उसने बात को शुरू किया. नो सेड ऑजिबल, तो ऑजिबल ने कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा. तो फॉलोअर का कहने का मतलब था कि अगर पुलिस नहीं है तो वो जो बालकनी में आदमी खड़ा है वो वापस आ जाएगा, तो वो कहता है कि वो नहीं आएगा, ना ही तो पुलिस आएगी और ना ही वो वापस आएगा. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, तुम जाके देखो खिड़की में कि सामने कोई बालकनी है ही नहीं. तो देखा हमने किस तरह से ऑजिबल ने मैक्स को बेवकूफ़ बनाया, और फॉलर को भी समझ में नहीं आया कि कितना उसमें दिमाग तेज़ है कि तुरंत उसने इस टाइप की कहानी बना ली कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, जो एक डिटेक्टिव ही कर सकता है. तो एक मोटे आदमी को, जिसको वो सोच रहा था कि इसमें क्या रोमांचक है, ये क्या कोई काम करता होगा, किस तरह का डिटेक्टिव है, ये सब जो उसके थॉट थे कि उसको लग रहा था मेरी शाम भी ख़राब हो गई, मैं गलत ही आ गया, तो ये सारे के सारे जो उसके विचार चल रहे थे दिमाग में सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंस उसने अपनी आँखों से देखा. तो बच्चों हमने देखा कि
किस तरह से जो ऑजिबल एक डिटेक्टिव है उसने प्रूव कर दिया कि उसमें कितना ज़्यादा दिमाग है और वो किसी भी परिस्थिति में वहाँ से बाहर निकल सकता है सुरक्षित। उनके सामने मैक्स पिस्टल तान के खड़ा हुआ था, पर उस परिस्थिति से भी उन्होंने कितनी समझदारी से अपने आप को और फाउलर को बचाया। और जो उनका दुश्मन था वो बालकनी से के चक्कर में खिड़की से कूदा और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो फाउलर को कहता है कि बाहर खिड़की के बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। तो कहने का मतलब कि मैक्स को उसने बेवकूफ़ बना दिया और मैक्स ने सोचा कि बालकनी है तो वो वहाँ से कूद गया खिड़की से बाहर, लेकिन वो कोई बालकनी में नहीं गया, वो सीधा नीचे आके गिरा और वो मर गया। क्योंकि 6th फ्लोर की खिड़की से अगर कोई कूदेगा तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो आई होप बच्चों ये आपको इंटरेस्टिंग सी जो कहानी है इसको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।